नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश और आप देख रहे हैं टेक्निक ज्ञान चैनल। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज फिर से हम बात करने वाले हैं एक और नई टेक्नोलॉजी के बारे में, मतलब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है और किस काम हमारे आती है। मतलब रोज हम इसको काम में लेते हैं और हमें पता भी नहीं होता है। तो क्या है टेक्नोलॉजी, इसके बारे में हम आगे जानने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब बटन मिल जाता है, दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर दें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में। तो ये जो टेक्नोलॉजी है हमारे किस काम आती होगी आप सोचते होंगे, लेकिन मैं बता देता हूँ। यहाँ पर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को मतलब स्टोर करने के लिए ये प्रोग्राम जो है तैयार किया गया। ये एक प्रोग्राम है और लाखों कंप्यूटर्स मिलकर जो है इस प्रोग्राम को चलाते हैं। तो एक कंप्यूटर में तो ये होने वाला नहीं है। तो जितने भी हमारे डेटाबेस हैं, जैसे कि हमारे पास आधार कार्ड है या फिर हम फेसबुक यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप यूज़ करते हैं या फिर ईमेल आईडी वगैरह यूज़ करते हैं, तो अलग अलग कंपनी की अलग अलग ब्लॉकचेन जो टेक्नोलॉजी है ये होती है। गूगल के पास भी है, फेसबुक के पास भी है, जितनी भी और कंपनीज हैं उनके पास भी है। तो ये बनाई इसलिए गई है कि इसे हैक नहीं किया जा सकता है, क्योंकि एक डेटा को ढूंढने के लिए एक कंप्यूटर को हैक कर दिया जाता है, लेकिन उसके अंदर वो डेटा नहीं होता है। वो डेटा जो है अगर उसे हैक किया जाएगा तो वो डेटा खिसक कर दूसरे में चला जाएगा, और उसे भी हैक किया गया तो वो डेटा खिसक कर तीसरे में चला जाएगा, या फिर ये डेटाज जो हैं अपने आप को डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि हम एक कोई भी पेज है नोटबुक का, उसे फाड़ कर हम चार पांच अपने अलग अलग फ्रेंड्स को दे दें और उसके अंदर कुछ लिखा हुआ हो, जब तक हम उसे आपस में जोड़ेंगे नहीं तब तक वो बात हमें पता नहीं चलेगी। इसी प्रकार से जो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी काम करती है। काफ़ी सारे लाखों कंप्यूटर्स जो है एक साथ मिलकर एक ही डेटाबेस को अलग अलग कंप्यूटर के अंदर अलग अलग हार्ड ड्राइव में उसके जो पार्ट हैं उन्हें रखे हुए होते हैं, लेकिन जब ओरिजिनल है या फिर जेन्युइन तरीके से उन्हें लेना होता है या फिर गवर्नमेंट उसे ले सकती है तब वो लेती है, तब वो सारे के सारे जो पार्ट्स हैं वो एक साथ जुड़कर यहाँ पर निकलकर सामने आते हैं। लेकिन अगर गलत कोड के साथ है, अगर गलत जो है बदमाशी उसके साथ की जाती है, तो सारा का सारा जो डेटाबेस है वो इतना अलग अलग हो जाता है कि हैकर्स को समझ भी नहीं आएगा, मतलब उसे हैक करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। अगर इसे किसी को हैक भी करना है तो 1,00,000 कंप्यूटर्स को यहाँ पर हैक करना होगा, पूरा एक साथ सभी के डेटाज को एक साथ जो है यहाँ पर देखना होगा, तब जाकर कोई फाइल उन्हें मिल पाएगी। तो ये होती है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो काफ़ी सारे अलग अलग कंप्यूटर्स को यूज़ करके ये टेक्नोलॉजी बनाई है। जैसे कि हम रखते हैं मेमोरी कार्ड, उसके अंदर हम अपने डेटाज रखते हैं। अब मान लीजिए आपके पास 4 मेमोरी कार्ड हैं और एक फ़ोटो है, तो आप एक फ़ोटो को आप अपने मोबाइल के अंदर 4 हिस्सों में अलग अलग 4 पार्ट उसके कर दीजिए और चारों अलग अलग मेमोरी कार्ड में डाल दीजिए और 4 अलग अलग लोगों को दे दीजिए। लेकिन अगर 5वां शख्स आपके पास जिसे फ़ोटो चाहिए, तो उसे चारों लोगों के साथ यहाँ पर जो है कुछ बात करनी होगी, उन्हें मनाना होगा। अगर वो चारों मानते हैं तो एक फ़ोटो बन जाएगी, अगर 3 मानते हैं और एक नहीं मानता तो वो फ़ोटो किसी काम की नहीं है। तो ये थे मेरे कुछ एग्जांपल्स, और इसी के साथ जो है मैं आपको लास्ट में और बता देता हूँ मतलब किस किस जगह पर ये काम आती है, ब्लॉकचेन का उपयोग किया जा सकता है। जैसे कि सूचना के लिए इसका जो है यूज़ किया जाता है। काफ़ी सारी सूचनाएं ऐसी होती हैं जिन्हें जो है स्टोर करके सुरक्षित रखना पड़ता है। सरकार और संगठनात्मक जो प्रशासन की जो फाइलें हैं या फिर सिस्टम है उन्हें जो है संग्रहित करने के लिए इसका यूज़ किया जा सकता है। शिक्षा में किया जाता है, गेमिंग प्रणाली में भी किया जा सकता है। काफ़ी सारे ऐसे ऑनलाइन गेम होते हैं जिनको जो है हैक नहीं किया जा सकता, तो वो इसी के चक्कर में नहीं किया जा सकता। शेयर बाज़ार में जो है ऑफिशियली इसे यूज़ किया जा सकता है या फिर कर रहे हैं। सामाजिक नेटवर्क में भी इसका यूज़ किया जा सकता है। डिजिटल पहचान और प्रमाणीकरण जो है, जैसे कि हमारे पास आधार कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है या फिर हमारा पासपोर्ट है, तो उसके डेटाज जो है इसी प्रकार के सिस्टम के साथ यहाँ पर सुरक्षित किए जाते हैं। लेकिन फिर भी जो आधार कार्ड यहाँ पर लीक हो रहे हैं, पता नहीं क्यों, रियल इस्टेट में भी इसे जो है यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि या फिर किया जा रहा है सामुदायिक सेवा में किया जाता है, नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वहाँ पर किया जा सकता है, मीडिया और बाज़ार में किया जा सकता है, ई वोटिंग में भी किया जाता है। तो इस प्रकार से जो है इसका यूज़ किया जा सकता है। मैंने काफ़ी सरल भाषा में आपको समझाया है, काफ़ी अच्छे से यहाँ पर मैंने बताने की कोशिश की है। तो इन सब में जो है इसका यूज़ किया जा सकता है ब्लॉकचेन का, और किया भी जा रहा है। तो इसीलिए जो है सभी के सभी यहाँ पर सुरक्षित हैं, वरना पता नहीं क्या हो जाए। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे वीडियो रोज़ देखते रहने के लिए नीचे सब्सक्राइब बटन है, उसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़ोर से लाइक कर दें, लाइक ज़रूर कर दें। वीडियो को आप काफ़ी सारे व्यूअर हैं लाइक नहीं करते हैं, लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स को। कोई सवाल है, कोई सुझाव है, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद और वंदे।